था कि सविता अकेली थी तब वो लोग घुस गए थे। घुसने के बाद में उस लड़की से कुछ बात की होगी छेड़छाड़ वाला, तो उसने इनकार किया तो उसके हाथ मुड़केट भी दिए थे। लल्ला और लल्ला के परिवार को। लल्ला कौन है? वही जो आरोपी के नाम है। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं, क्यों कैसे मतलब क्या कन्फर्म है? लल्ला और लल्ला के और लल्ला के परिवार से भूल जाओ तुम लोग। नहीं, लल्ला कौन है? लल्ला वही तो आरोपी है। उसका संतोष कहाँ रहता है? वो गांव में रहता है, आपके घर के आसपास बिल्कुल लगा हुआ है। अच्छा, जाने के लिए बोला, वो अपने घर में जाते जाते घुसते हुए क्या बोलता है वो देखेंगे। अच्छा। इस प्रकार के शब्द हमने कान से सुना है। आपकी धर्मपत्नी जो है राजवती साहू, उनको और आपकी पोती को मारने का मेन कारण क्या यही था? 6 मार्च की दरमियानी रात अचानक एक ऐसी घटना आती है जो छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन जाती है। ज़्यादा कुछ बताने से पहले डायरेक्ट जगह का नाम बता दूँ। गनियारी हत्याकांड को लेकर के लगातार सब पूछ परख कर रहे थे कि आखिर इस मामले को लेकर के अब तक क्या अपडेट आया। फिलहाल अब तक कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन 6 मार्च के बाद जब वो घटना हुई और उस घटना को लगातार सब मीडिया कवरेज करते रहे, अखबार सुर्खियाँ बनाते रहीं, लोग चर्चे में लाते रहे, चौक चौराहों पर ये विषय लगातार होते रहा, उस बीच भी अब तक आज की तारीख तक पुलिस को अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। एक ऐसा कांड जिसने अंधे कत्ल की गुत्थी को अब तक सुलझाने में पुलिस नाकाम साबित हुई है, जिसका कारण ये है कि अब तक पुलिस जहां भी कुछ कांड होता था तो वहां पर मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से या फिर वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से कहीं ना कहीं आरोपी तक पहुँच जाती थी। लेकिन ये एक पहला ऐसा मामला है इस साल का जो बेसिक पुलिसिंग के जरिए ही इस पर कोई जांच पड़ताल की जा सकती है। अब बेसिक पुलिसिंग किए पुलिस को जमाना हो गया। टेक्निकली जब से सामान आए हैं या चीज़ें आई हैं तब से लगातार लोग कैमरे और मोबाइल ट्रैकिंग की वजह से ही इस जगह तक पहुंच पाते हैं। लेकिन गनियारी के उस बीहड़ गांव में बीचों बीच ना कोई कैमरा था, ना किसी के हाथ में मोबाइल था, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे साथ अर्जुन लाल साहू हैं, जिनकी धर्मपत्नी जो थी राजवती साहू, और इनकी पोती सविता साहू के साथ ये जो कांड हुआ था, मारा गया था उन्हें, उनके आरोपी अब तक फरार हैं। और इसी को लेकर के आज आईजी ऑफिस आए हुए हैं, आईजी कार्यालय दुर्ग आए हुए हैं गनियारी के वो परिजन जिनके घर के सदस्यों के साथ ये हादसा हुआ था। साहू जी, 6 तारीख को मामला हुआ था, लगातार आप लोग पूछ परख कर रहे हैं एसपी से आईजी से, क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? सुनने को अब क्या, मैं तो गया था सर, तो ये बोलते हैं उस दिन 6 तारीख को बयान के लिए बुलाया था वहाँ फुलगांव थाना में, तो क्राइम वाला शर्मा साहब जो बोलते हैं खाली वो जमीन जायदाद की बात करती है, उसके बाद में बोलते हैं लल्ला और लल्ला के परिवार को। लल्ला कौन है? वही जो आरोपी के नाम है। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं, क्यों कैसे मतलब क्या कन्फर्म है? लल्ला और लल्ला के और लल्ला के परिवार से भूल जाओ तुम लोग। नहीं, लल्ला कौन है? लल्ला वही तो आरोपी है। उसका संतोष कहाँ रहता है? वो गांव में रहता है, आपके घर के आसपास बिल्कुल लगा हुआ है। अच्छा, तो आपको कैसे लग रहा है कि वही आरोपी हो सकता है? भाई 1-3 साल से उनका हमारा झगड़ा विवाद था। किस वजह से विवाद? एक बार तो विवाद हुआ, एक गैया को मार दिया, मर गया। आपकी गैया को? उसी में विवाद हुए थे। दूसरा बार फिर चलते चलते गैया पैरा को थोड़ा खा दिए ना, उसी में विवाद हो गए बहुत। और अभी 24 तारीख को मेरे घर मेरे लड़के और बहू काम में गए थे, और मेरे उसके सविता के छोटे भाई जो है ना वो दूर में हमारे खलिहान में बंधाता है उसको, बछड़ा वछड़ा उसको पानी पिलाने के लिए वो निकल रहा था घर से। जैसे ही घर से निकला और लल्ला वहीं पर मिला और बोलता है तुम्हारे यहाँ दूध होता है क्या? कहो तो घर में कौन है? तो सविता है। और तो माँ बाप काम में चला गया। जैसे आगे बढ़ा फोन उसको भाई और वो जाके घर में घुस गया। अच्छा, सविता अकेली थी तब वो लोग घुस गए थे। घुसने के बाद में उस लड़की से कुछ बात की होगी छेड़छाड़ वाला, तो उसने इनकार किया तो उसके हाथ मुड़केट भी दिए थे। अच्छा, ये बात पता। अब ये घटना से पहले की बात बता रहे हैं आप? नहीं, ये जो 6 मार्च को घटना हुई उससे पहले ये घर में गया। 24 तारीख की बात है ये 24 की घटना है। ये 24 की घटना उसी के दरमियान में ना 8-10 दिन में क्या है। अच्छा। उसके बाद में क्या है कि जब जैसे लड़का फिर वापस आया ना तो वो घर से निकल रहा था लल्ला, तो अब और दूसरे गली से निकल गया वो, जो गली से गया था उस गली से नहीं निकला, उधर से गली से निकल गया। हाँ, अपन घर चले गए। आया तो अपने मामा पापा चाचा वाचा सबको बताया वो ऐसे ऐसे घर लल्ला घर घुस गए थे। मैं आया
तो उधर से निकल गया, मैं देखा हूँ आँख से। अच्छा उसके बाद में क्या हुआ, फिर आपस में ये लोग बोले कि अरे भाई तुम जब लड़की है जब बताया तो तुमको जाना नहीं था, तो मैं दूध के लिए गया था, जो जो करना है मेरे करो। ऐसे मतलब ये छोटे छोटे विवाद होते रहते थे उनके साथ, खूब हुआ उस समय, खुद हुआ, मैं था उस दिन, 24 तारीख को छुट्टी था। कोई जमीन का विवाद था, रास्ते वास्ते का कोई विवाद था क्या? नहीं, उससे कोई विवाद नहीं, आज तक से उससे जमीन की कोई विवाद नहीं है। और उसके बाद में क्या हुआ, वाद विवाद हो रहा था, मैं फिर आपस में जाकर मैं कह क्या है रे, तो नहीं मैं दूध के ले गया था। अरे बेवकूफ, कह के एक जगह एक परिवार जैसे हैं, ऐसा नहीं मत करो, समझाइश करके दोनों पक्ष को अपने अपने घर जाने के लिए बोला। और अपने घर में जाते जाते घुसते हो क्या बोलता है वो देखेंगे। अच्छा। इस प्रकार के शब्द हमने कान से सुना है। अच्छा। मैं था, मैं बोला। क्या नाम था उस लड़के का जिसने ये बोला? वो तो छोटा भाई बोला। अच्छा। वो हंस, हंस क्या नाम, हर्ष, हर्ष उस छोटा भाई। पूरा नाम क्या है, पूरा नाम? हाँ वो उसने बोला, हर्ष निषाद बता रहे हैं। हाँ। और उसके बाद में ये बात घटना होने के बाद में ना, ये 24 तारीख की बात है, उसके बाद सब घर में बुला के उसको और समझाइश किया। और 24 तारीख तो निकल गया, 28 का महीना था, दो चार दिन के बाद में 6 तारीख को शाम को एक आदमी को भेजा था। मैं यहाँ क्वार्टर में रहता हूँ रायपुर में, मेरा मिसेस है। क्या काम करते हैं? मैं प्यून हूँ मंत्रालय में, मंत्रालय अपर मुख्य सचिव पास हूँ। तो वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, और मैं अपने ड्यूटी से आया 5:30-6 बजे, मैं अपने बाइक को मिसेस को फ़ोन लगाए कि क्या कर रहे हो, तो बोले बैठे हूँ कुर्सी में, तो दवाई खाया कि नहीं खाया, तबीयत ठीक नहीं था, खाया होंगे, तो बोले कि लड़के लोग बहू लाखड़ी को मिंज रहे हैं, सकेल रहे हैं। और उसके बाद में 5:30 बजे वो आया, बोलते हैं यादराम यादव गांव का, उसी के ग्रुप का आदमी है, वो आया तो फूफा है क्या दीदी? नहीं है, वो तो यहाँ नहीं रहेगा, वो वहाँ क्वार्टर में थे, और शाम के शुक्रवार का थे तो नहीं है, वो जाके उसको फिर सूचना दे दिया। अच्छा। उसके बाद में 6:30 बजे वही हर्ष, 3 अन्य लोग जो हम पहचानते नहीं हैं, ना गांव के नहीं हैं, वो उनको बैठा के वही जाए जाते 30 फीट होगा हमारे, वो जो बैठा था और जहाँ मर्डर हुआ है वो, वहाँ उसको लोकेशन बताते बैठा है 6:30 बजे कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है, मेरे लड़का ने लाखड़ी सकलते सकलते ना, अरे सब्जी के लिए पैसा के लिए फिर घर गया, तो वो बैठे थे, 2 मिनट में आए वापस हुए तो गायब हो गए। इस बात को मैं TI साहब को बताया तो मानना मान नहीं रहा, नहीं 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 सर, बड़े साहब को बता रहे थे, नहीं नहीं है सर, वो लोग तो 3-4 बजे वहाँ मोबाइल में आया, वहाँ स्कूल तरफ गांव तो आखिरी तरफ, मैं बोला फालतू बात मत कर सर, लड़के को बुलाता हूँ, बुलाया हो। उसके बाद ये जब बोला ना तो चुप हो गया, चुप, कोई बात ही नहीं किया। तो ये सब ऐसी ऐसी सब बात हैं, तो क्या हम उसको शक नहीं रहेगा सर है? आपकी आपकी धर्मपत्नी जो हैं राजवती साहू, उनको और आपकी पोती को मारने का मेन कारण क्या यही था, छोटे छोटे जो विवाद थे या कुछ और भी? ऐसे उसमें नहीं है, वो लड़की की वजह से ना, लड़की को छेड़छाड़ कर रहे थे, और उसमें उसी बीच हम लोग देख लिए और झगड़ा हुए, उसी के दरमियान में अब क्या है, अब भाई है वहाँ जाने के बाद में रात में क्या हुआ क्या नहीं, अब क्या पता भाई। आप ड्यूटी पे चले गए? मैं ड्यूटी में था, मैं ये 5:30 बजे मैंने नाती फ़ोन किया, 6-7 तारीख को, 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे, 5:30 मैं सो के उठ रहा था, और बोले कि दादा सो के उठ गए क्या, मैं कपड़ा वपड़ा पट कर रहा हूँ तो इतने जल्दी आ, दाई की तबीयत बहुत ख़राब है। हाँ ठीक है। उसके बाद में एक साथी बोलता है, मैं जिसके साथ 2 जन रहते हैं, वो बोलते हैं चल यार बस तबीयत ख़राब होते तो मैं बस स्टैंड छोड़ दूँगा। तो बस स्टैंड छोड़ने के लिए जैसे आधा बीच में गए ना, तो मेरा लड़का भी वहीं है मंत्रालय में, वो यहीं था, तो उसने उनको फ़ोन लगा दिया, तो पापा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को, तो कैसे दो आदमी फ़ोन कर रहे यार क्या बात है, तो वो उसको बताया कि मर दिए हैं तेरे माँ को और भतीजी को, तो वो मेरे को नहीं बताया। फिर लौट के आके ना वो मेरे साथ आया। अच्छा। हाँ साथ, हाँ आया ना, तब देखा भाई तो पूरा हाल बेहाल था, ये आ रहा के साथ नहीं है, बताइए। उसके बाद हाल चाल था, सारी चीज़ें हुई थी। अभी क्या मांगे हैं आप लोगों के अब तक? क्योंकि कि हमारी हमको संपूर्ण न्याय चाहिए, हमारी जो आरोपी है करने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करें, हमारा यही मांग है। कल भी आप लोग आए थे, कल मुलाकात हुई? कल भी आए थे सर, नहीं हुआ था ना।
उनके बेटे इनके बेटे हैं और अर्जुन लाल साहू जी के बेटे, क्या नाम है भैया? अश्वनी साहू जी हैं और इन्हीं की बेटी थी सविता। और आपसे अभी पुलिस वालों के बीच बातचीत हुआ, तो क्या कुछ बातचीत हुआ है आप लोग से, क्या बोले? कब की? अभी जैसे पुलिस वालों के बीच बातचीत हुआ है आप लोग का कि जांच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कुछ? हाँ, जांच कर रहा है करके बोल रहा है, और हम लोग तो अभी संतुष्टि नहीं है सर, क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा तब तक संतुष्टि तो नहीं हो सकते। हम लोग को कातिल का बहुत ज़रूरी है जानकारी करना, तो कर रहे हैं बोलता है। आप चाचा हैं? बड़े पापा। बड़े पिताजी हैं। ये जो विवाद वाला है, आपको नहीं? नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ खेत गिर नहीं रहा हूँ, घर में खेत गिर। हाँ, तो पूरे परिजन यहाँ पर आए हुए हैं और अर्जुन लाल साहू से हमने बात की, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी मांग को लेकर के, जो न्याय की मांग को लेकर के यहाँ पर हैं कि सिर्फ जांच चल रहा है और अब तक कुछ अपडेट निकल के नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई। बेटे से हमने बात की अर्जुन लाल साहू की, अर्जुन लाल साहू खुद थे, उन्होंने किस वजह से इनकी धर्मपत्नी और इनके पोती पर वार हुआ है, इसके पीछे की जो कहानी थी 6 मार्च से पहले की जो कहानी थी विवादों वाली, वो सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की हैं और इस आस में बैठे हैं कि शायद कुछ न्याय की बात हो या फिर कुछ अपडेट आए तो शायद कोई न्याय मिल सके। जो गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उसकी एवज में जो चीज़ें हुई हैं, क्या उस पर आरोपी को पकड़ा जा तो सकता है, लोग जो कि अब तक नहीं पकड़ा गया है, तो जिसको लेकर के लगातार जांच का विषय बना हुआ है। अपडेट अभी भी अधूरी है, लेकिन अपडेट जब पूरी होगी तो लगातार हम आपको पूरी जानकारी खुलासे के साथ देते रहेंगे। अभी आईजी कार्यालय में क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ होता है, आने के बाद बात करेंगे।